जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए ब्लॉग में। और अब हम यहाँ से जो है बाबा जित्तो के मंदिर के दर्शन के लिए निकल रहे हैं। तो शाम हो गई है, लगभग 6:30 बज रहे हैं, अंधेरा हो गया है। तो हम ऑटो वाले भैया से जानते हैं कि ऑटो वाले भैया हमें जो है अब कहाँ पर लेके जाएंगे। ऑटो वाले भैया आप हमें कहाँ लेके जा रहे हो? अभी ये जाएंगे बाबा जित्तो के मंदिर में। ऑटो वाले भैया ने बोला है कि पहले हमें जो है बाबा जित्तो के मंदिर में ले जाएंगे, उसके बाद चामुंडा देवी के मंदिर में ले जाएंगे, और उसके बाद कटरा में हम अपने होटल चले जाएंगे। तो लगभग हमें ये सब दर्शन करने में अभी 1.5 घंटा और लग जाएगा अपने होटल पहुंचने में। तो चलिए बाबा जित्तो के मंदिर में दर्शन करते हैं। फ्रेंड्स, अब माता रानी के दर्शन के बाद अब बाबा जी के दर्शन करने चलते हैं, क्योंकि माता जी के साथ साथ बाबा जी को मनाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें कल अपनी यात्रा शुरू करनी है। तो चलिए अब बाबा जी के दर्शन पा लेते हैं। तो दोस्तों, बाबा जित्तो के मंदिर में पहुंचने में अभी समय लगेगा, अंधेरा भी हो चुका है, तो अभी हम आधे रास्ते में ही हैं। अरे अभी रास्ते में तो हैं, पर वैसे मौसम अभी साफ हो चुका है। वो क्या एक ना कहानी थी बाबा जित्तो के बारे में, वो तुम्हें पता है क्या वो कहानी? मेरे को याद से नहीं आ रही है। ये जो बाबा जित्तो के मंदिर की ये मान्यता है कि बाबा जित्तो जो है अपने बचपन से ही माता के बहुत बड़े भक्त थे, और कटरा में पानी की बहुत ज़्यादा समस्या थी, तो जिससे लोग काफ़ी परेशान थे। तो बाबा जित्तो जो है वो बचपन से ही जो है नंगे पांव रोज माता के मंदिर भवन में जाते थे और फिर वापस आते थे, और ये रोज करते थे वो मंदिर जाना और आना। वो उनकी श्रद्धा माता में इतनी थी कि वो इसलिए करते थे कि माता से वो ये मांगते थे कि कटरा में पानी की समस्या दूर हो जाए। तो माता ने उनकी जो है ये बात सुन ली और जो है कटरा में जो है पानी की समस्या खत्म हो गई। तो अब जब आप बाबा जित्तो के मंदिर में जाएंगे तो आप देखेंगे वहाँ पर जगह जगह से पानी निकल रहा है, और कटरा में भी जो है काफी सारे यहाँ पे छोटे छोटे स्रोत हैं पानी के, जो कि पानी की समस्या जो है यहाँ पर लोगों को नहीं होती है। तो ये सब बाबा जित्तो की वजह से है, और इसीलिए बाबा जित्तो को इतने प्रसिद्ध है और यहाँ पे मंदिर बना हुआ है। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं वहाँ पे। आ गया बाबा जित्तो का मंदिर। तो दोस्तों, ये बाबा जित्तो का मंदिर आ गया है, और ऑटो वाले भैया ऑटो साइड में लगाएंगे और हम अंदर चलेंगे फिर दर्शन करके आते हैं। तो चलिए। दोस्तों, हम बाबा जित्तो के मंदिर में आ गए हैं, तो यहाँ पे ही अंदर मंदिर में हम दर्शन करेंगे। कैमरा ले जाना अंदर मना है, तो इसलिए हम यहीं पर ही स्टॉप करते हैं और अंदर मंदिर में दर्शन करने के बाद फिर आपको रिकॉर्डिंग दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हमने बाबा जित्तो के मंदिर के दर्शन कर लिए हैं, और अब हम आपको दिखाएंगे कि वहाँ पर जो मंदिर है उधर उस साइड में, तो वहाँ पर पानी के स्रोत हैं, जिनके बारे में मैं आपको बता रहा था कि बहुत सारे वहाँ पर पानी के स्रोत हैं, कि उन पानी कहाँ कहाँ से वो पानी के स्रोत आते हैं, और आपको दिखाते हैं कि उनकी जो मनोकामना थी वो किस तरह से पूरी हुई थी। थोड़ा यहाँ पे संभल के चलना होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है फिसलन बहुत है, तो बारिश बहुत ज़्यादा हुई है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे कितने सारे पानी के स्रोत हैं। यहाँ पे लोग देखो जगह जगह से पानी आता है, पूरे मंदिर में अलग अलग छोटे छोटे जो हैं पानी के स्रोत हैं। यहाँ पे पानी की बहुत मतलब अपार वो है पानी, यहाँ पे पानी की कोई समस्या नहीं है। और देखिए नीचे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी पानी काफ़ी बह रहा है, तो यहाँ पानी ही पानी है। तो चलिए अंदर दुर्गा मंदिर में। कहाँ पे गंगा जल? सामने शिव मंदिर के पीछे जा रहा है। अच्छा, ये शिव मंदिर के वहाँ पे? हाँ, शिव मंदिर है ना, इसके आगे छोटा सा गैप बना है, गैप के अंदर। अच्छा, बाण गंगा वाला वाला वैष्णो माता की चढ़ाई है। अच्छा, वैष्णो माता के चढ़ाई होगा तो लग हो गई ना। अच्छा अच्छा अच्छा, 12 साल तपस्या करके बाबा जी ने 12 साल तपस्या करी थी, तब वैष्णो माता के चरणों से गंगा जल निकला था। अच्छा अच्छा, बाबा जी बचपन से ही जाते थे मंदिर, हैं रोज जाते थे नंगे पाँव रोज, हैं 12 साल लगातार गए थे बाबा जी, तब जाके मनोकामना पूरी हुई थी और जल ही जलाया था। जय बाबा जी। यहाँ पर हमने बाबा जित्तो के मंदिर के दर्शन कर लिए हैं, और यहाँ पे
बाबा जित्तो के मंदिर के दर्शन करके हमें बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे जो है हमने बाबा जित्तो के मंदिर में क्या मान्यता है, क्या कहानी है, वो भी हमने आपको बताई यहाँ पे। तो उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी कहानी, और आपके मन में भी बाबा जित्तो के लिए श्रद्धा भाव उत्पन्न हुआ होगा। तो अगर आपको हमारी ये ब्लॉग अच्छी लगी हो तो आप हमारे इस वीडियो पर जय बाबा जित्तो, जय माँ वैष्णो माता दी ज़रूर लिखें, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय माता दी, जय बाबा जित्तो।